पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत देने के साथ साथ दुष्परिणामों को लेकर भी आगाह करते हैं। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोखेबाजी झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं ले सकता। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की दगाबाजी में शहीद हुए भारतीय वीरों को सलाम करते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। मनमोहन सिंह ने कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। पीएम मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने बयानों को लेकर भी नसीहत दी है। मनमोहन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा और सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।